एक दोस्त मुझे याद आता है, बड़ी दोस्ती थी उनमें। बाइक से बैठ करके एक बार रविवार को दोनों बोले चलो कहीं बाहर खाना खाके आते हैं। मारे हमारी भारत देश की दशा कैसा बदल गया, 21वीं सदी का भारत। पहले लोग खाना खाने घर आते थे, समझ गए, और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब क्या हो गया, बोले बोलो। अब टॉयलेट करने घर में आते हैं, खाना खाने ढाबे पे जाते हैं। बाहरी दशा बदल गई इस देश की, क्या तरक्की की है हमने। रसोई की बाजी में टॉयलेट बना हुआ है, विचार। बोले चलो आज ढाबे में खाने खाने चलते हैं। दोनों दोस्त बाइक पर बैठकर चले गए, टेबल पर बैठे थे, चाय का ऑर्डर किया गया, चाय आई, नाश्ता आया। एक दोस्त ने चाय उठाई, धोखे से उसका प्याला गिरा और दूसरे दोस्त के पैंट पे जाकर गिर गया। दूसरे दोस्त को बड़ा गुस्सा आया, उसे एक चाटा मार दिया उसे कैच के कि पागल कहेंगे तुझे समझ नहीं आता है, मेरा पैर जल गया, दाग लग गए मेरे कपड़े में। दूसरा दोस्त कुछ समझदार था, वो कुछ ना बोला, उसने पानी के गिलास में हाथ डाला, उंगली डाली और मेज पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चाटा मार दिया है। उस दोस्त को थोड़ा फीलिंग हुई, बोले यार सॉरी, गुस्सा आ गया था, मुझे मार दिया, तू मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे एक बार। उसने जैसे ही पानी से लिखा पढ़ा, उसने कहा मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, तू माफ कर। उसने लिया, गले से लगा लिया, दोस्ती में चलता है मेरे भाई। दोनों ढाबे से उठे, घर की तरफ जाने लगे। दोनों बाइक चला रहे थे, बैठा था, ऐसी तेज बाइक चलाई, ऐसी तेज बाइक चलाई कि सामने से एक ट्रक आया, टकराए, जोरदार धमाका हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। जो चला रहा था उसके सिर पर चोट आई, अस्पताल ले गए उसे, अस्पताल में एडमिट कराया। जो दोस्त साथ में था वो लेकर के गया, उसे कहा डॉक्टर साहब इसको जल्दी देखो, इसकी जान जा रही है। डॉक्टर ने देखा, इलाज किया, किस्मत थी बच गया। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया, उसने कहा तुम्हारा दोस्त तो बच गया लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए नेत्रहीन हो चुका है। अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो ठीक नहीं हो सकता है। दूसरे दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसने कहा कि क्या हो गया डॉक्टर साहब, कुछ भी करो मेरे दोस्त की आंखें मत छीनो। डॉक्टर ने कहा अभी तत्काल में इसको दूसरा कोई नेत्रदान करने वाला मिल जाए तो इसकी रोशनी आ सकती है। उसने कहा अस्पताल में, बोले हमारे पास आंखें नहीं है, कौन देगा इसे आंखें। उसने कहा डॉक्टर मैं दूंगा इसे आंखें, ऐसा दोस्त दुनिया में मिलता नहीं है, ध्यान रखिए। उसने कहा, बोले बेटा तुम जवान हो, तुम अपनी आंख कैसे दे सकते हो। उसने कहा जवान और बुढ़ापे का सवाल नहीं, मेरा दोस्त यदि हम नेत्रहीन होकर जिए, डॉक्टर साहब हम वो दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा बराबर बराबर का बंटवारा किया है। मेरे दोस्त की दोनों आंखें नहीं, मेरी दोनों हैं, एक आंख मेरे दोस्त को दे दो, वो भी दुनिया देखेगा और मैं भी दुनिया। हमने कभी अलग अलग नहीं रहे, हमने बराबर बराबर बांटा है। और ये एक्सीडेंट इसीलिए हुआ है, यह बराबर बराबर बांटने का समय आ गया है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं होगा, माँ बाप से पूछो। बोले मैं 18 साल से ऊपर का हूं, अपने निर्णय खुद ले सकता हूं, मैं इस दोस्त को अपनी आंखें जरूर दूंगा और ज्यादा देर मत करो। मैं आपसे हाथ डॉक्टर की आंखें भर आई,
इस कलयुग में भी ऐसे दोस्त दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने आंख निकाली और उसकी आंख में लगा दी। 8 दिन बाद जब पट्टी खुली, वो देखता है, उसे नहीं मालूम कि वो अंधा हुआ था। वो कहता है, मेरी एक आंख में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर बोले, तेरी तो दोनों आंखों में दिखाई नहीं देता। एहसान मान इस दोस्त का जिसने अपनी एक आंख तेरी आंख में दान कर दी है। एक काम किया उसने, देखा ढुलक आए आंसू, पल भर में चल चला गई आंसू, उसकी हिचकियां बदल गई। ये कोई दोस्त है जिसने कभी मेरे गाल पे चाटा मारा था, और आज ये वही दोस्त है जो अपनी आंख निकाल कर मेरी आंख में लगा रहा। वह उठा, दौड़ा दौड़ा गया उसी जगह जहां पर चाटा मारा गया था। एक पत्थर पड़ा था, छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक कर लिखता है, आज मेरे सच्ची अच्छी दोस्त ने मुझे आंख प्रदान की है। जब उस दोस्त ने पूछा कि मैंने तुझे चाटा मारा था तो तूने पानी से लिखा था, और आंख दी तो तूने पत्थर पे क्यों लिखा है? उसने कहा, इसलिए कि मैं चाहता था कि चाटा मारा है पानी से लिखो ताकि जल्दी मिट जाए और मैं भूल जाऊं, और पत्थर पर इसलिए लिखा कि आने वाली सदियों दुनिया याद रखे कि दोस्ती क्या हुआ। मान्यवर, आज भी अच्छे दोस्त इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्ती तो ऐसी होना चाहिए हमारे जीवन की।